الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلى عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الله بما تعملون خبير پاس ایمان لے آؤ تساں اللہ دے نال اور اس دے رسول دے نال اور اس نور دے نال ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالی جو تسی عمل کر دے ہو انہاں تو باخبر نے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اور بچے ہو پیچھے چلے جاؤ وہ سیل میں چلے جاؤ شرارتیں نہ کرو چلو بیٹھ جاؤ آرام سے صاحب اور عزیز ساتھیو
रब्बे कायनात ने आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दे साडे जिम्मे बहुत ज्यादा हकूक लगाए ने। जिस तरह वालिदैन दे हक औलाद दे जिम्मे ने, औलाद दे हक वालिदैन दे जिम्मे ने, असातिज़ा दे हकूक शागिरदां वास्ते ने, शागिरदां दे हक असातिज़ा वास्ते ने, बड़ियां दे हक और हकूक ने, छोटियां दे हक और हकूक ने। इसे तरह प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम आप अली सलाम दे भी अपनी उम्मत दे जिम्मे कुछ हकूक ने, कुछ हक ने। अज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर मैं इंशाअल्लाहुर रहमान ये कोशिश करांगा कि हुकूकुर रसूल दे हवाले ना, यानी नबी अली सलाम दे जो अपनी उम्मत दे जिम्मे हक ने बहुत ज्यादा ने, उन हुकूक चो मैं इंशाअल्लाहुर रहमान कोशिश करांगा कि तीन हक बयान करां। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, आइए नोट फरमाइए और अल्लाह के कुरान की जबानों से बात फरमाइए। पहला हक प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम का साडे जिम्मे की है। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, अल्लाह के कुरान ने पैगाम सुनाया, फा आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने पहला हक बयान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ईमान का दावा करने वालों और अपने आप नू मोमिन कहलाने वालों गल सुन लो ना, तुहानू चाहिए कि तुसी अल्लाह नाल भी ईमान ले आओ ना, वा रसूल ही तुसी अल्लाह दे रसूल नाल भी ईमान ले आओ ना, वन नूर लजी अनजलना, और ऐ जेड़ा नूर असा नाजल फरमाया ना, यानी ऐ अल्लाह दा कुरान जेड़ा इनू अल्लाह ने नूर आख्या है, ऐ जेड़ा नूर अल्लाह ने नाजल फरमाया है, यानी इस कुरान ते भी तुसा ईमान रखना है। अल्लाह बेमा तामलून खबीर, अल्लाह जुल जलाल वाले कराम छो तुसा अमल कर दियो, अल्लाह जुल जलाल ओना अमलां दी खबर रखन वाले ने। हुण ईमान की है, ईमान दी तारीफ सारा नोट करना। ईमान दा नाम है कि बंदा अपनी जबान चो अल्लाह दी तौहीद दा इकरार करदा है, अपनी जबान चो आमिना दे लाल अली सलाम दी नबुवत खत्म नबुवत
इकरार करदा ते फिर एदे ते पक्का यकीन रखदा है। जबान नाल इकरार बंदा करे और दिल नाल तस्दीक करे ते नंबर तीन फिर बंदा अपने अमल तो साबित करके दिखाए इनू ईमान कहा जांदा है। अल्लाह अल्लाह हुण ईमान किन्ना किन्ना चीजां ते जरूरी है, ईमान किथे किथे ले आउणा जरूरी है। आइए जरा अल्लाह दे कुरान दा एक और मकाम शान नोट फरमाना, इस पारा 28 सुनिया दे हुण पिछे आ जाओ, सिपारा निकल आया तीसरा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, कवो कवो तेरा प्यार नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। मैं कुर्बान जाव, आइए जरा कुरान सुनिए। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने आमनर रसूल बेमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनूना कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइका इन्ना चीजा नाल ईमान रखना लाहौरी और अल्लाह दे पैगाम नो नोट फरमाना। कुल आमन बिल्लाह व रसूल ही कुल आमन बिल्लाह, तुसा अल्लाह नाल सारे ने ईमान रखना है, व मलाइका ते ही ओदे फरिश्तियां ते ईमान, व कुतुब ही ओदियां सारियां आसमानी किताबां ते ईमान रखना है, व रसूल ही अल्लाह दे सारे रसूलां ते ईमान रखना। लाल नो फर को बैना आहदे मिर रसूल ही, इन्हां विचों किसे दे दरम्यान फर्क नहीं रखना, यानी एक नो मनना ते दूजे नो नहीं मनना, ए नहीं होना चाहिदा। अल्लाह अल्लाह वकालो समेना व अताना व फराना का रब बनाऊ इलैहि कल मसीह। वाह कुरान, मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा ते लख वार मैं सदके जावा नहीं समझे। आओ जरा मेरा दिल करदा है मैं तुहानू कुरान दा एक और मकाम सुना दिया। ये सिपारा हो निकल आया जे नौवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ सुन लो तेरा कलेजे ठंड बहा लो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फल्लज़ीना आमनु बिही, कहो सुभान अल्लाह। हैं जे आए बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, तू पे बैठे हो माशाल्लाह, जरा मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रु व नसरु व तबअ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु अगली गल कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहु मुल्क समावात वल अर्ज ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत व आमिनू
بالله ورسوله ورسوله النبي جل أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ترجمہ سن لو ترجمہ. اللہ دا پیغام فلذین آمنوا بہ, او لوگ جڑے ایمان دا دعویٰ رکھنے والے تے پکے مومن, وعزرو ونصرو, انہاں نوں چاہیے کہ ایمان والے اللہ دے پیغمبر دا ادب کرن تے احترام کرن, ونصرو تے دین دے کماں چ نبی پاک دا تعاون کر, وتبع النور الذي ارسل معه, تے اے جڑا نور اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس نور تے بھی انہاں دا ایمان پکا ہونا چاہیدا ہے. فرمایا ایہو ہی لوگ نے جڑے کامیاب ہو چکے ہیں. اگلی گل, قل یا ایہا الناس, اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے تسا فرما دیو نا, یا ایہا الناس, اے تمام دنیا جہان دے لوگ, انی رسول اللہ علیکم جمیع, میں تواڈے سارے اول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں, الذی لہ ملک السماوات وال عرض, او ذات میرے اللہ دی کہ جیدیاں زمین و آسمان دے اندر جیدی بادشاہ دے, لا الہ الا ہوا, او دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, جے جیڑا ہمیشہ تے جن ہمیشہ رہنا, سونیو جدا نہ تے یوم ولادت تے نہ جدا یوم وفات, جیڑا ہمیشہ زندہ تے جن ہمیشہ زندہ رہنا, تے ہن تانوں کی چاہیے, آمنو باللہ ورسولہ, ہن تہاڈا حق بنتا ہے اللہ نال وی ایمان رکھنا ہے, تے آمنا دے لال نال وی ایمان رکھنا ہے, آپ دی نبوت آمنا دلال علیہ السلام دی ختم نبوت, تسا اپنا ایمان کامل رکھنا ہے. میرے بھائی میرے برادر, آئیے سارا نوٹ فرمانا ہے, اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب جو محبت نہ صلی اللہ ہو, او بندہ لانتی جے پکا جدے سامنے نبی پاک دا نام آئے تے محبت نہ درود نہ بڑے, میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے, انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں دا نزول فرمانا, اور ساڈے والوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آئیے ذرا نوٹ فرماندے آ جانا, پہلا حق میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے آئے, آمناں دے لال تے ایمان لے آؤنا ہے. پہلا حق نوٹ کر لو, نبی پاک دے ساڈے ذمے کیڑے حق نے, او نہ حقوق چو پہلا حق ہے اللہ دے پیغمبر نوں تسا ایمان لے آونا, اور میں قربان جاواں جنہ حضور نال ایمان لے آوندا ہے سبحان اللہ, ارے ہی تے وجہ ہے نا, کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک دے الفاظ نے, توبہ لمن را آنی و آمن بی و توبا سبع مرات لمن لم یارانی و آمن بی. میرے آقا فرماندے نے خوش خبری او دے واسطے جنے منو ویکھے آئے تے پھر میرے تے ایمان لے آندا ہے,
वेखे आए असोने वेखन वेखन बेच भी ते फर्क कहना और वेखन ते अबू जाल भी नबी पाक नू वेंदा रहा है। यार वेखन दी केड़ी गल करदे हो, वेखन नू ते अबू लहाब उतबा ते शैबा बदबख्त मेरे नबी नू तक दे रहन, पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम और वेखन वेखन बेच फर्क आ वेखना उंजे जिमें मेरे सिद्दीक ने वेखे आए, वेखना उंजे जिमें प्यारे फारूक ने वेखे आए, वेखना उंजे उन्ना नजराना तक ना जिमें जनाबे उस्मानो हैदर ने नबी पाक नू तक आए। मेरे आका फरमांदे ने जिन्हें मैनू वेख्या मेरे ते ईमान ले आया उहदे वास्ते बशारत ते सत बशारत सब अमरत, और सत मरतबा बशारत उहदे वास्ते आ कि जिन्हें मैनू वेख्या भी नहीं पर मेरे ते ईमान ले आउंदा है। असा हजूर नू वेख्या, दुआ करो अल्लाह किते ख्वाब अंदर ही अपने मुस्तफा दा दीदार नसीब फरमा दे। कैसे अजीम लोग सन सियादा सुभान अल्लाह, और जेड़े मुस्तफा दा दीदार अपनियां अखां नाल करदे रहे सुभान अल्लाह। असा नहीं वेखिया, मेरे आका फरमांदे ने जिन्ने मैनू वेखिया नहीं पर मेरी नबुवत खत्म नबुवत ईमान ले आउंदा है ओदे वास्ते सत मरतबा बशारत सुभान अल्लाह। और अगली हदीस कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा जिन्ने मैनू वेखिया ते फिर मेरे ते ईमान ले आउंदा है। कायनात दे इमाम पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने मैनू वेखिया ते मेरे ते ईमान ले आउंदा है ते फिर सारी जिंदगी ईमान ते पक्का रहा है। अल्लाह ने एदे ते जहन्नम दी अग नू हराम फरमा दिता है। और इत्थे ही बस नहीं, हुजूर फरमांदे ने जिन्ने मैनू वेखिया अगों फिर मेरे वेखन वाले नू वेखिया, यानी एक ते बंदा ना जिन्हें ईमान की हालत नबी अली सलाम का दीदार किया ओनू सहाबी कहा जाता है रजी अल्लाह ताला, और एक बंदा होवे कि जिन्हें बराए रास्त नबी अली सलाम नू नहीं वेखिया बल्कि उन्हें बराए रास्त डायरेक्ट किसी सहाबी की ज़ियारत की है ईमान की हालत अंदर। मेरे आका फरमांदे ने जिन्हें मैनू वेखिया ओदे ते जहन्नम दी अग हराम ईमान की हालत अंदर, जिन्हें किसे मेरे सहाबी नू ईमान दी हालत वेख्या जिन्हू ताबी कहा जाता है, यानी जेड़ा सहाबी नू ईमान दी हालत वेंदा ओनू ताबी कहा जाता है। फरमाया जिन्हें मैनू वेख्या ते अगो मेरे वेखन वाले नू यानी सहाबी नू वेख्या, अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां दोवां बंदिया ते जहन्नम दी अग नू हराम कर दिता है। सुभान अल्लाह अल्लाह अपनी रहमत फरमाए सानू सारिआं नू जन्नत अंदर मुस्तफा दे कठिया फरमा दे। हाय हाय जिन्ना वेखिया ना उन्हां ते वेखिया ही है ते जिन्ना नहीं वेखिया बिन देखे फिदा है हर कोई। फिर आखो गोडे छड़ के आखो बिन देखे फैदा है हर कोई ओए दीदार का आलम क्या होगा, बिन देखे फैदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। इधर रखो मेरे वाल, जब जुल्फ का जिक्र जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में
जब जुल्म किथे लिखया वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मावद्दा का रब का वमा कला। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुख सार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई इदार का आलम क्या होगा। मेराज की शब अल्लाह ने ओ मेराज की शब अल्लाह ने महबूब अपने को बलवाया। कुरान अंदर सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दही मेराज की शब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया। सोचो तो सही जरा, सोचो तो सही जरा, इन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। तारीफ जो की है खुद अल्लाह ने और तारीफ जो की है खुद अल्लाह ने सरकार के हुस्नो जमाल की किथे की दी है। इन्ना अरसलना का शाहिदन हम बशरन व नजीरा वदा यान लल्लाहे बे इज़्ने ही वसराजम मनीरा। तारीफ जो की है खुद अल्लाह ने सरकार के हुस्नो जमाल की, दिल झूमता है सुन सुन कर, दिल झूमता है सुन सुन कर, और दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। और गार सुनो सिद्दीक उमर उस्मान अली, सिद्दीक उमर उस्मान अली और सारे सहाबा दो जानू जब बैठे होंगे मजलस में, जब बैठे होंगे मजलस में ओ दरबार का आलम क्या होगा। जब बैठे होंगे जन्नत में माँ बैना भैती व मिंबरी रौजा तुम मेरे आजिल जन्ना। जब बैठे होंगे जन्नत में दरबार का आलम क्या होगा। और गल सुनो एक सिमत अबू बकर एक सिमत उमर इधर मुस्तफा एक सिमंत अबू बकर एक सिमंत उमर। हदीस अंदर आंदा ना मेरे आकंद तशरीफ ले आ रहे ने ते आंदा ना मेरे पैगंबर ने एक हाथ अंदर जनाबे सिद्दीक दा हाथ फड़िया है, एक हाथ अंदर जनाबे हजरत फारूक आजम दा हाथ फड़िया है, ते आंदा मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी दे सीन विच आ रहे ने।
फरमांदे ने हा कसा नुबासो यो मल कयामा। आओ मेरे सहाबियो अल्लाह जुल जलाल दी कसम अज में मैं ते सिद्दीक ते फारूक असी दुनिया के अंदर अज मेरी मस्जिद विच इकट्ठे आ रहे हैं। कयामत वाले दिन अल्लाह सानू इस तरह इकट्ठिया कबरां चो उठाएगा ते अपने जन्नत विच दाखल फरमाएगा। एक सिमंत अबू बकर एक सिमंत उमर उस्मान इधर अली इधर इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर दा दीदार करना नबी पाक दे ईमान ले आना पहला हक मेरे पैगंबर अली सलाम दा ए आए के प्यारे पैगंबर अली सलाम ते आप दी जात पाक दे ईमान रखे आ जाए आप दी नबुवत ईमान रखे आ जाए आप दी खत्मे नबुवत यकीन काम रखे आ जाए। हुन दूजा हक पहला हक मुस्तफा अली सलाम ते ईमान आप दी जात ते आप दी खत्मे नबुवत ईमान ने कामिल होए ते यकीने मुहकम होए। नंबर दो दूजा हक साडे जिम्मे उम्मतियां दे जिम्मे प्यारे पैगंबर अली सलाम दा ए आ के सब नालो ज्यादा आमना दे लाल दा अदब कीता जाए ते इहतराम कीता जाए। कुरान ने आख्या फरमाया ले दो मेनो बिल्लाह व रसूल ही वातो अज रूह वातो वक रूह वातो सब हो बुकरा तन वासी ला सारी कायनात नालो बढ़ के आमिना दे लाल अली सलाम दा अदब करना है। दूजा हक मेरे पैगंबर दा नबी पाक दा एहतराम करना है। और मैं कुर्बान जावां अगर देखिए ना सहाबा नू रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन अल्लाह जिथे तेरे पैगंबर दे गुलाम लेटे ने उन्हां ते करोड़ा रहमतां दा नजूल फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जदों सुलह हुदैबिया दा वाकया आया ना पेश मक्के वालियां दे कासद आ रहे ने उन्हां दे सफीर आ रहे ने मुजाकरात करन वास्ते ते अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलाम तशरीफ फरमान ते इधरों ना मक्के वालियां दा एक कासद आया एक सफीर आया इहदा नाम उरवा बिन मसूद सकफी है। ये मेरे पैगंबर अली सलाम दे सामने आया आके नबी पाक नाल मुजाकरात कर रहा है। गल्लां बातां हो रही ने अजीब मंजर तक रहा सहाबा नबी पाक तो अपनिया जाना लुटान लई तैयार ने पैगंबर फूजू करदे ने सहाबा नबी पाक दे फूजू दा पानी जमीन ते नहीं डिगन देंदे ते नबी पाक अपना मुबारक थुक सटदे ने सहाबा अपने हत्थां दियां तलियां बिछा लैंदे ने। अजीब जिहा मंजर तकन रहा अजीब ही माहौल वेख्या है। गल्लां बातां हो उरवा सकवी जेड़ा वापस मक्के वाले आंदे कोल चला गया ते मक्के वाले आने दूरों वेखेया ना कहन लगे उरवा गया ते बड़ा चाई चाई से लगदा पहले वाला नहीं रह गया इदे अंदाज बदले बदले लगदे ने ते उरवा कहन लगा ओए मक्के वाले ओ गल सुन लो मेरी यार मैं बड़िया बड़िया हुकूमतां वेखिया ने मैं कैसर ते किसरा दे दरबारां विच गया हुआ मैं नजाशी दे दरबार दा मंजर भी तक गया है मैं बड़िया बड़िया हुकूमतां ते मैं
बड़े बड़े बादशाहों तक आए पर अल्लाह जुल जलाल की कसम जिन्ना अदब ते जिन्ना एहतराम मैं नबी पाक दा सहाबा नू करदे आ वेखे आए कायनात अंदर किसे नू वेखे आई कोई नहीं क्या लगे की वेख के आ गया अंदर कहे और वसक फी कुरैशानो जागे आ मक्के वाले हो कहे और वसक फी कुरैशानो जागे मैं शाहां दे शाही दरबारानो डिठा पर जमाने च ऐसी मिसाली नहीं मिलती और जिवें मैं मुहम्मद यारानू डिठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लगे की तक के आया ते कह लगा वुजू कतर गिरदे ओ पज पज के पगड़ ओए वुजू कतर गिरदे ओ पज पज के पगड़ मोहब्बत नाल मल दे रुख सारानू डिठा अल्लाह जुल जलाल दी कसम नबी पाक दे सहाबा ने अदब एहतराम कीता ते हक अदा करके दिखाया अल्लाह दा कुरान कह रहा दूजा हक अल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व अज़्ज़रूहु मुस्तफा अली सलाम दी तौकीर इज्जत आप ते आदम नु मलहूज खातर रखना दूसरा हक नबी पाक दा साडे जिम्मे आ मैं कुर्बान जावां नबी पाक दी गुस्ताखी ते बेअदबी दा अगर कोई तसव्वुर भी करे ते पक्का बेईमान ते लानती है और मसलक अहले हदीस नोट कर लो अहले हदीस दा पैगाम नोट करके ले जाया दे साढ़ जाए जबान उस गुस्ताख नगारे दी ओए करदा ए तोहीन जेड़ा अहमद प्यारे दी साड़ जाए जबान उस गुस्ताख नगारे दी करदा ए तोहीन जेड़ा अहमद प्यारे दी ओए लानत करोड़ उस दे रब जबारे दी ओए दफ्तर से आओ मिलसू अंतर आई जावना आ चन्न ते सूरज जिदे हुसन ते नी जूल दे ओ जिस दा हुकम फरिश्ते नहीं ओ दूल दे आ जमीन आसमान इसे गल ते ने भूल दे जो रौजा ए रसूल चादी राज राज पावन दूजा हक मेरे पैगंबर दा नबी पाक अली सलाम दा अदब करना एहतराम करना और तीसरा हक सारी कायनात नालों वध के मोहब्बत करनी है ते आमिना दे लाल नाल करनी सारे जग दिया मोहब्बत मां बाप दी मोहब्बत औलाद दी मोहब्बत उस्तादां दी शागिर्दां दी रिश्तेदारां दी भैणां भरावां दी अपने कबीलियां दी अपने खानदान दी दुनिया दे माल दी सारियां मोहब्बत अपनी जगह ते पर सब नालों ज्यादा मोहब्बत करनी है ते अल्लाह ते ओदे रसूल नाल करनी सुभान अल्लाह इत्थे भी अगर सहाबा दी जिंदगी नू देखिए मैं एक वाकया पढ़ रहा सा हजरत मां जी बीबी उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के च रहन वाली खातून हालात बदले ते बीबी उम्मे शरीक ने आमिना दे लाल दा कलमा पढ़ लिया है सुभान अल्लाह किस्मत चंगी मुस्तफा अली सलाम दी गुलामी दा अल्लाह ने शरफ अता फरमा दिता मक्के वालिया ने पकड़िया इन्हां गिरफ्तार कर लिया
तीन दिन ते तीन राता बीबी उम्मे शरीक नू भुखे आई रखे आए ना कुछ खान दिता ते ना कुछ पीन वास्ते दिता है ते बिल आखिर बीबी उम्मे शरीक की तबीयत दे अंदर नकाहत बढ़ती जा रही है ते बिल आखिर कह लगे नी उम्मे शरीक नबी पाक दा कलमा छड़ दे ते बच जाएंगी अगर ना सी तेन चानो मुका देंगे कहन लगिया मक्के वाले ओ गुमाशे ओ मैं जदो नबी पाक दा कलमा पढ़िया है मैं बगैर सोचे नहीं पढ़िया मैं सोच समझ के पढ़िया है ये ते मैनू पता सी दुख आउणगे परेशानियां आउणगियां अल्लाह अल्लाह इन्ना बदबख्ता ने मां उम्मे शरीक नू भुखिया प्यासे तैयार कर लिया अपने ऊठा ते कचावे अपने ऊठा ते जनाब जिन्हां ते सवार होना उन्हां ते काठियां पा दित्तियां कचावे रख दिते ने ते उन्हां ते सवार हो गए ने ते जिस ऊठनी ते बीबी उम्मे शरीक नूं सवार कीता उहदे ते कचावा नहीं रखिया उहदे ते काठी नहीं पाई कादे लई इह इस हाल अंदर ही उम्मे शरीक सफर करेगी इहनूं तकलीफ आएगी ते साडे दिलां नूं सुकून मिलेगा हाय अल्लाह मेरी तौबा इन्ना मां जी उम्मे शरीक नू सवारी ते बिठा लिया है ते लैके चल पैने ते मां जी उम्मे शरीक आंदियां ने अरब की गर्मी ते आ साडी गर्मी ते कुछ नहीं अरब दा पहाड़ी इलाका ते रेतला इलाका जना पहाड़ी पहाड़ ते गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा मां जी उम्मे शरीक आंदियां ने राह विच किते कोई दरखत आउंदा किते कोई साया आ जांदा ए बदबخت मक्के वाले आप दे साए तले बह जांदे ने सवारियां नु भी साए तले कर लैंदे ने ते मां उम्मे शरीक आंदियां ने एंद मेरे हत्थां ते पैरां नु बन के मेनू जगड़ के धुप्पे सुट देंदे ने किन्नी देर तक मैं धुप्पे ही पई रहिंदी सां ते बिल आखर जदो अगला सफर शुरू कर दे फिर मैनू उठा लेंदे फिर मैनू नवे सिरे सवारी ते बिठा लेंदे ने दुख दे रहे ने तकलीफां दे रहे ने फिर कोई अगे सायादार दरखत आउंदा आप साए थले बह जांदे ते मां उम्मे शरीक दे हत्थां पैरां नू झगड़ के इन्हां नू धुप्पे सुट देंदे ने जा लग्या फिर सवारी ते बिठा लेंदे ने फरमांदियां ने इस अंदाज नाल सफर हो रहा है ते दिल आखर एक जगह ते इन्ना मैनू धुप्पे लिटाया है ते मां उम्मे शरीक पानी दी वजह तो बिलक रही है पानी प्यास दी शिद्दत परेशान कर रही है ये सारे साए तले बैठे ने ते मां ना अंज जिवें बंदा बेहोश होया हुंदा ना ते मां उम्मे शरीक बेहोशी दे आलम च लेटी है फरमांदियां ने अखां मेरियां बंद ने अचानक मेरे सीने ते इंज ठंडक महसूस होई मैं जल्दी नाल इंज हाथ मारिया ते मेरे हाथां विच आसमान तो किसे ने पानी दा डोल लटका दिता है आसमान तो किसे ने पानी दा डोल लटका दिता है मां जी फरमांदियां ने मैं जल्दी नाल बिस्मिल्ला पढ़ के पानी पीन लग पई हां ते मैं एडा मिठा पानी अज तक जिंदगी च लभया ही कोई नहीं है मैं रज रज के पानी पी लिया मैं लेटियां फिर किसे ने डोल तां चुक लिया है फिर थोड़ी देर बाद दोबारा डोल आया
लिया, मैं फिर रज के पानी पी लिया, फिर तीसरी मरतबा पानी का डोल लमकाया गया, मैं पकड़िया नाले पी लिया, ते गर्मी बड़ी लगन रही सी, नाले मैं अपने कपड़िया ते बहा लिया, ते मक्के वाले सामने एक दरख्त दे साए तले बैठे ने, ए थोड़ी देर बाद आए, कहन लगे आ पानी डोलिया पिया उम्मे शरीक, आ तेरे कपड़िया ते पानी है, आ इर्दा गिर्द पानी नजर आ रहा, जापदा तू चोरी कीती है, साडिया मशका जो पानी कड लिया है, कहन लगी ओए बदबख्त ओए जालिम, तुहाडिया मशका जो पानी नहीं कढ़िया, मैनू अर्श वाले ने पिलाया है, तसली वास्ते झूठ बोलन रही है, कहन लगे असा अपनिया मशकां वेने इन्हां जल्दी नाल जाके अपनिया मशकां वेखियां, जिवें मूंह मशकां दे बन के गैस उस तरह हैरान रह गया, अजीब गल है इत्थे पानी दा नामो निशान कोई नहीं, साडियां मशकां दे मूंह भी बंद ने, ते उम्मे शरीक नूं पानी कित्थों लभ गया, कहन लगे उम्मे शरीक सही सही गल दसी गल की है, ते मां दी उम्मे शरीक ने सारा वाकया बयान कीता, ए मेरा कमाल नहीं अर्श वाले दी रहमत दा कमाल, ए नबी पाक दी मोहब्बत दी दलील, ते कहन लगे नी उम्मे शरीक असी माजरत करने आ, असी माफी मंगने आ, असी भलेखे च रह गए, जापदा तेरा दीन सच्चा है, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयो, मेरे बरादर, ये मोहब्बत है सैयदा मां दी उम्मे शरीक ते दिल अंदर मुस्तफा दी, पहला हक मुस्तफा दा ए वे के आप दे ईमान रखिया जाए, दूजा हक ए वे के पैगंबर दा सारी कायनात तो बढ़ के अदब इहतराम कीता जाए, और तीजा हक मेरे मुस्तफा दा साडे जिम्मे ए आ, जिवें सहाबा ने नबी पाक नाल मुहब्बत कीती है, सारी कायनात तो बढ़ के मुस्तफा नाल मुहब्बत करनी है। अल्लाह कोलो दुआ है, अल्लाह मैनू ते तुहानू किताब सुन्नत समझ के सही मानिया अमल की तौफीक अता फरमा।